मैम बाज के मैसेज आ रहे हैं, वो कह रहे हैं मीटिंग में ऐड हो जाए। हाँ जी, मीटिंग लॉक हो गई हुई है, बस ऐड होने का टाइम गुजर गया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इफ़ टू इवेंट्स ए एंड बी आर डिफाइंड ऑन ए सैम्पल स्पेस एस, अगर दो इवेंट्स जो हैं ए और बी, इवेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस का कोई भी सबसेट होता है, वो सैम्पल स्पेस एस पे डिफाइंड है, एंड इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दो इवेंट्स हैं ए और बी जो कि सैम्पल स्पेस एस पे डिफाइंड हैं, और सेकेंड क्या कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो नॉन ज़ीरो है, then the conditional probability of an event A is given by, इसकी conditional probability किस तरह से given होगी, जबकि B has already occurred, एक event A की probability जबकि B हमारे पास already हो चुका है, तो उसको हम इस form में लिखते हैं probability of A given that B, और इसको किस तरह से define करते हैं, पहले इन दोनों का intersection ऊपर आ जाएगा, probability of A intersection B ओवर प्रॉबिलिटी ऑफ बी, मीन्स जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका हुआ है उसकी प्रॉबिलिटी, और प्रॉबिलिटी ऑफ बी जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी तो ये कंडीशनल प्रॉबिलिटी अनडिफाइंड हो जाएगी और हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके बाद में एक दो एग्जाम्पल्स आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखिए, इन टॉसिंग टू कॉइन्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स गिवन दैट अ हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन। सबसे पहले तो देखें कि दो कॉइन्स हम टॉस कर रहे हैं, दो कॉइन्स जो हैं वो टॉस कर रहे हैं, उनकी आउटकम्स क्या हो सकती हैं, या तो ये दोनों पे हेड आ जाए, ये भी हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए, ये भी हो सकता है एक पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, या फिर पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, ये चार पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती। अब हमने प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स, टू हेड्स अब कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे टू हेड्स हैं, गिवन दैट अ हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, मीन्स हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स फाइंड आउट करनी है, जबकि गिवन है कि फर्स्ट कॉइन पे भी हेड होना चाहिए, उनमें से टू हेड्स की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसको देखते हैं हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने कोई भी क्वेश्चन आता है तो सैंपल स्पेस लिख लेनी है, सैंपल स्पेस इज एस इज इक्वल टू दोनों दफ़ा हेड आ जाएं या दोनों दफ़ा टेल आ जाएं या फिर एक दफ़ा हेड एक दफ़ा टेल आ जाए, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो फोर हैं। लेट ए बी द इवेंट दैट द हेड अपीयर्स ऑन द फर्स्ट कॉइन। अब हमने इसमें से वो वाले एलिमेंट्स ले लेने हैं जिनमें फर्स्ट प्लेस पे हेड आता है। तो आप देखें इन दोनों पे फर्स्ट प्लेस पे हेड आता है, तो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में टू आ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। इसमें टू एलिमेंट्स हैं ओवर सैंपल स्पेस में फोर एलिमेंट्स हैं, तो ये वन बाय टू हो गया। अब सेकंड क्या था, लेट बी बी द इवेंट दैट टू हेड अपीयर्स, दो हेड अपीयर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसमें दोनों हेड्स आ रहे हैं, तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ओवर सैम्पल स्पेस में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो ये वन बाय फोर हो जाएगा। अब अगर आपको फार्मूला याद हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी जो थी वो हमारे पास इज इक्वल टू थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स फाइंड आउट करनी है, टू हेड्स फाइंड आउट करनी है गिवन दैट ए है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन विद बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो ओवर में है उसकी प्रोबेबिलिटी आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये वाला हमारे पास इसके इक्वल आता है। तो इट मीन्स हमारा जो पहला टारगेट है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए पहले हम देखेंगे कि इन दोनों के इवेंट्स में कौन कौन से कॉमन हैं। तो यहाँ पे देखें कि इन दोनों में एच और एच, ये एक ही एलिमेंट जस्ट कॉमन है, इट मींस इन दोनों के इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स वन है ओवर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फोर हैं तो वो वन बाय फोर हो गया। अब जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो कि वन बाय फोर था, ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल थी हमारे पास,
आई थिंक ये 2/4 के इक्वल थी, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2। सेकंड क्या क्वेश्चन था? सेकंड क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स, दो हेड्स आए गिवन दैट एट लीस्ट वन हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स, दो हेड्स आए गिवन दैट एट लीस्ट वन हेड, मीन्स हमने इसकी प्रोबेबिलिटी, इसको अगर आप बी का नाम देते हैं या ए का नाम देते हैं फाइंड, हमने इसकी प्रोबेबिलिटी करनी होती है। ये जो गिवन दैट होता है ना, ये स्लैश के बाद आता है, गिवन दैट एट लीस्ट वन हेड। लेट सी बी द इवेंट दैट एट लीस्ट वन हेड अपीयर्स, कम अज़ कम एक हेड आ रहा है, तो उसकी ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक लास्ट वाला एलिमेंट रह जाता है जिसमें दोनों टेल्स होती हैं, तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 हैं। टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 4 हैं, 3/4 आ गया। और टू हेड्स की जो प्रॉबिलिटी है वो आपको पता है 1/4 अभी हमने कैलकुलेट की थी। तो प्रॉबिलिटी ऑफ़ टू हेड्स, प्रॉबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हमने कैलकुलेट करनी है, जो कि इसके इक्वल आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, लेट ए एंड बी बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जो एक दूसरे की अक्रेंस कोई इफेक्ट नहीं कर रहे होते। ये दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों, पहली बात तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, अब हमने फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास गिवन है, बी भी गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हमने फाइंड आउट करनी है, तो इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ से इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑलरेडी गिवन है, दोनों को डिवाइड करके आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए कैलकुलेट करनी है, तो इसका फार्मूला प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रॉबिलिटी ऑफ ए। अब देखें, अगर आप इसको प्रॉबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए भी लिखेंगे तब भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन ओवर में फ़र्क पड़ेगा। अगर गिवन दैट ए है तो ओवर में प्रॉबिलिटी ऑफ ए आएगा, अगर गिवन दैट बी है तो प्रॉबिलिटी बी की आएगी ओवर में। इसी तरह से प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की अगर हम बात करते हैं, तो इसका फार्मूला होता है, ये फार्मूलाज आपको आने चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये दोनों तो हमारे पास गिवन है, इंटरसेक्शन बी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, इन सारी वैल्यूज़ को इस फार्मूला में रिप्लेस करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आप इस पे डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करें, तो आपको पता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बनता है, या होल कॉम्प्लीमेंट ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाता है। तो ए यूनियन बी आपको पता है, उसका कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड आउट कर लेंगे, आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन दैट बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स बी के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी के होने की जो प्रोबेबिलिटी है या अकर करने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको टोटल प्रोबेबिलिटी जो कि हमेशा 1 होती है उसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, 3 मिसाइल्स आर फायर्ड एट अ टारगेट इफ़ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ हिटिंग द टारगेट आर दीज। ठीक है, 3 मिसाइल्स जो हैं वो फायर हुए हैं, एक के टारगेट को हिट करने की ये प्रोबेबिलिटी है, दूसरे की ये और तीसरे की ये, एंड इफ़ द मिसाइल्स आर फायर्ड इंडिपेंडेंटली व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 2 मिसाइल्स हिट द टारगेट। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि कम अज़ कम 2 मिसाइल्स जो हैं वो टारगेट को हिट करें।
कम से कम दो का मतलब क्या होता है कि तीसरा हिट ना करे या फिर दो से ज़्यादा भी हिट कर सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा। एटलीस्ट टू का मतलब है दो या दो से ज़्यादा। तो पहले वाले मिसाइल के हिट करने की प्रोबेबिलिटी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कह दिया, दूसरे वाले के प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, थर्ड के प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इसके ना हिट करने की प्रोबेबिलिटीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वन में से इनके हिट करने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें तो 0.6, 0.5 और 0.4 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमने कह दिया लेट डी डिनोट्स द इवेंट दैट एट लीस्ट टू शॉट्स हिट द टारगेट्स। कम अज़ कम दो हिट करें तो इसका मतलब है या तो ए और बी दोनों हिट करें, सी हिट ना करें, या ए और सी दो हिट करें, तीसरा हिट ना करें। मीन्स ए बी और सी की हमने प्रॉबिलिटीज फाइंड आउट करनी है इस तरह से कि इनमें से कोई से दो हिट करें और तीसरा हिट ना करें, एटलीस्ट टू कम ये मतलब है। और एटलीस्ट टू में ये होता है दो या फिर दो से ज़्यादा, तो हम तीनों के हिट करने की भी प्रॉबिलिटी फाइंड आउट करेंगे और एंड पे इनको ऐड कर देंगे। अब ये प्रोबेबिलिटीज़ किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन में गिवन है कि ये तीनों इवेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कम्प्लीमेंट। जिस तरह हमने कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसी तरह से ये तीन के लिए भी ये होल्ड करता है। अ पर्स कंटेन्स टू सिल्वर फोर कॉपर एंड अ सेकेंड पर्स कंटेन्स फोर सिल्वर एंड थ्री कॉपर कॉइन्स। क्या कहा है मैम? बात सुनिए कि मैम जो अभी हमने 6.8 एग्जांपल